हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ संकष्टि चतुर्थी स्पेशल व्रत के खाने की रेसिपी, जो हम व्रत के खाने में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए हमें साबूदाना जो है पहले से भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं, या फिर हमसे कभी कभार हो जाता है कि हम साबूदाना भिगोना भूल जाते हैं, तो उस पर ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन, ऐसी ये मैं रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही साथ हम ये नवरात्रि के व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास होते हैं, तो तब हमें न्यारी में यानी कि ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3/4 कटोरी यानी कि 1/3 कप साबूदाना जो है वो लिया है। तो ये कच्चा ही साबूदाना है, इसे हम अभी भिगोने वाले हैं। तो अभी ही हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं, जब हम ये रेसिपी बनाएंगे तभी हमें ये साबूदाना थोड़ा सा भिगो देना है, बस गीला कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ये साबूदाना अच्छे से 3 पानी से धो लिया है और बस इसमें पानी नहीं रखा हुआ, बिल्कुल अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है और अब हम ये साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है एक मीडियम साइज़ का पोटैटो लिया है, तो ये पोटैटो हमें अच्छे से इसकी जो स्किन है वो उतार लेनी है, इसे मीडियम ऐसे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और इसे धोकर एक सूखे कपड़े से सोख कर लेना है इसमें का सभी पानी, और ये इस तरह से रेडी कर बना लेना है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा का पानी बिल्कुल नहीं रखना है, अच्छे से कपड़े से सोख कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में मैं यहाँ पर मूंगफली भूनने वाली हूँ, तो इतनी ये जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं तो ये 2 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके लिए मैंने 1/3 कप साबूदाना लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है। तो मूंगफली हमें अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेनी है, इसका कलर चेंज नहीं होने देना है, बस हमें ये अच्छे से इस तरह से भून लेनी है और एक थाली में निकाल लेनी है और इसके छिलके जो है वो उतार कर हमें इसे रेडी कर लेना है। अब हम ये मूंगफली जो है इसे भी साइड में रख देंगे और यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म है, तो इसमें ही हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें मूंगफली जो हमने भून कर रेडी कर ली थी छिलका उतार कर, उसे हम इस तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से ये मूंगफली भून लेने से इसकी टेस्ट जो है इस रेसिपी में बहुत ही बढ़िया आती है। तो ज़्यादा हमें ये जलानी नहीं है, बस थोड़ी सी हमें ये मूंगफली भून लेनी है और एक कटोरी में निकाल लेनी है। मूंगफली निकाल कर हम इसी कढ़ाई में जो बचा हुआ देसी घी है उसी में हम आगे की रेसिपी बनाने वाले। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, जीरा अच्छे से फूलने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच हरी मिर्च डाल दी है, लगभग 3 हरी मिर्च ली है मैंने कम तीखी वाली, और इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है। जैसे ही ये हरी मिर्च अच्छे से भून जाएगी, हम इसमें जो हमने पोटैटो कट करके अच्छे से सुखा लिए थे, इसका पानी पूरी तरह से सोख कर लिया था, ये पोटैटो हम डाल देंगे और इन्हें लगभग 2 मिनट तक हमें इस तरह से शैलो फ्राई होने तक भून लेना है, जिससे कि ये जल्दी से पक जाए। इस तरह से हमें ये पोटैटो जो है शैलो फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद 2 मिनट के बाद ये पोटैटो अच्छे से शैलो फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें हमने जो साबूदाना भिगो कर रख दिया था वो डाल देना है और उसे 1 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। और उसके बाद हमें जो है इसमें लगभग एक पूरा जो ग्लास होता है, एक पूरा पानी पीने का ग्लास होता है, वो पूरा ग्लास भरकर पानी इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास भरकर पानी डाल दिया है। अच्छा खासा पानी डालना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला ही ऐसा बनता है ये व्रत का खाना। तो हम इसमें अच्छा खासा पानी डालकर इसमें इसे अच्छे से एक सा कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम गुड़ डाल देंगे, तो गुड़ से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसे अच्छे से एक सा करके इसमें हम सेंधा नमक जो होता है व्रत वाला वो डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से एक सा कर लीड लगाकर हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट तक ये अच्छे से पक जाने के बाद हमें इसे एक बार अच्छे से चला लेना है ढक्कन उठाकर, और फिर से इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही उबलने देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए आप, अच्छे से ये पोटैटो जो है वो अच्छे से उबल गए हैं और साबूदाना जो है वो भी अच्छे से उबल गया है, ये बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट ऐसा दिखने लगा है। अब जो है हम इसमें लास्ट में जो है हमने जो मूंगफली भून ली थी वो डाल देंगे इसमें, और साथ ही साथ हमें इसमें लगभग मैंने यहाँ पर
आधा नींबू जो है वो निचोड़ कर डाल दिया है और हरे धनिए से इसे गार्निश करके गैस ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर हमारी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ऐसा व्रत का खाना बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। मैं हमेशा ही इस तरह से ये बनाकर अपने व्रत के वक्त इसी तरह से ये बनाती हूँ और खाती हूँ, और मेरे घर में मेरे बच्चों को भी और हस्बैंड को भी ये पसंद आता है, तो मैं हमेशा ही इस तरह से ये बनाती हूँ। तो अगर ये रेसिपी आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल होती है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।